रियली में प्रीमियम फील होगी, ये फील नहीं होगी, लेकिन सेल्स आंकड़े में ये इसकी आधी भी नहीं बिक पाती है। ये सुनिए, इसको एक बार बजाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। हमारे पीछे इंडिया की दो प्रीमियम हैचबैक कारें हैं, एक मारुति की बलिनो है और एक टाटा की अल्ट्रोज है। और इस वीडियो में आपको एक फॉर्मल कंपैरिजन दिखाते हैं कि क्यों आपको इस कार की बजाय इस कार को लेना चाहिए। मारुति सुजुकी बलिनो, और आपको पता है कि इसकी सेल्स और इसकी सेल्स में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये आपको रियली में प्रीमियम फील होगी, ये फील नहीं होगी, लेकिन सेल्स आंकड़े में ये इसकी आधी भी नहीं बिक पाती है। और ये देखिए बिल्ड क्वालिटी क्या होता है किसी कार में। एक गाय के थोड़े से टच से स्क्रैच एक जरा सा भी नहीं है, बिना स्क्रैच के। और ये चदरे की क्वालिटी को देख सकते हैं, पूरी ये धस गई थी और ये अपनी पूरी मेहनत से इसको केवल हाथ से प्रयोग करके इसका डेंट को सीधा कर दिए। तो ये होती है बिल्ड क्वालिटी। लुक वाइज पीछे से एक बार आप लोग देख लीजिए, ये आपको प्रीमियम नज़र आएगी, ये आपको ठीक ठाक सी लगेगी, पर इसके साथ में एक लेबल लगा हुआ है कि ये मारुति की गाड़ी है और ये टाटा की गाड़ी है। तो मारुति का लेबल ही काफ़ी है इसके सेल्स को ज़्यादा लाने में। और एक चीज़ आपको डिफरेंस मिलेगा कि इसमें आपको 20 से 21 का माइलेज मिलेगा और इसमें आपको 17 से 18 का माइलेज मिलेगा। जान ज़्यादा प्यारी है, ऑलवेज ये कार प्रेफर करिएगा। और आपको अगर अपने जान की कीमत पता नहीं है या आपकी जान की कीमत कुछ भी नहीं है तो इस गाड़ी को आप लीजिएगा। और एक चीज़, इसका जो इंजन है वो आपको बेहतरीन मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन, और ये काफ़ी रिलायबल इंजन है। सालों सालों से मारुति का भरोसा इस इंजन के साथ में है। और इसमें आपको 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है 1200 cc का। तो 3 सिलेंडर इंजन का जो नेचर है वो आपको इसमें मिलेगा, थोड़ा सा नॉइज वाइब्रेशन मिलेगा, पर एक्सेप्टेबल है। और ये देखिए हाथों से इन्होंने इस डेंट को लगभग लगभग ठीक कर दिया है। ये देखिए ये भी टूटा हुआ है, मतलब इसकी चदरे की क्वालिटी ही कमज़ोर नहीं है, इसकी हर चीज़, चाहे वो प्लास्टिक का ही पार्ट क्यों ना हो, किलो एवरेज देखने को मिलेगा। फ्रंट से आपको कौन सी कार बेहतरीन लग रही है? डेफिनेटली आपको ये कार पसंद आएगी। दोनों के चदरे की क्वालिटी को मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और इसको दिखाते हैं, ये देखिए। तो ये अंतर है दोनों की क्वालिटी में। मारुति का जो आफ्टर सेल्स नेटवर्क है इंडिया के हर छोटे से शहर में अवेलेबल है और इजी टू मेंटेन है, जिसके चलते ये गाड़ी बिकती है। टाटा इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है। आफ्टर सेल्स सर्विस सबसे ज़्यादा इसकी बदनाम है। टाटा की गाड़ियाँ लेने के बाद लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है, छोटी छोटी समस्या के लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि सर्विस सेंटर जाने के बाद ही प्रॉपर टाटा के जो मैकेनिक है, जो इंजीनियर है, उसका प्रॉपर सोल्यूशन वो नहीं दे पाते हैं, वो एक डिफरेंस हो जाता है। लेकिन आज की डेट में धीरे धीरे टाटा भी इस पर इम्प्रूव करता जा रहा है। ये देखिए ये बाहर आ रहा है, क्लोजली दिखाते हैं। इसके लॉक्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप थोड़ी बहुत कहीं कार को लगाते हैं या कुत्ता भी टकराता है तो ये लॉक्स तुरंत बाहर आ जाते हैं। और इसका FM एंटीना देखिए किस तरह की है, इधर से उधर ये घूम रहा है। इसमें है आगे दिया हुआ है और थोड़ा सा लंबा है। पीछे से लुक वाइज बताओ तो कौन सा कार बढ़िया लग रहा है ये? और क्वालिटी वाइज चदरा चाहे जिस तरह से भी हो, अभी तुमने धोया, अब ओवरऑल इसको फिल किया, कौन कार बढ़िया है? ये वाली। तो ये ज़्यादा क्यों बिकती है? माइलेज कह के और मारुति का ब्रांड कह के। ब्रांड क्या है? ब्रांड तो ये भी है, इससे पहले तो ये ब्रांड है। लेकिन आदमी नहीं लेता है कि माइलेज नहीं है, पहले
इंजन बहुत प्रॉब्लम आती थी, आज के मामले में बढ़िया। तो ये गाड़ियों को वॉश करते हैं और ये इनका ओपिनियन है कि टाटा की गाड़ियों में पहले प्रॉब्लम आती थी लेकिन वो अब नहीं है, और जहाँ तक इन्होंने फील किया है कि ये गाड़ी सुपीरियर है इसके मुकाबले। इनका मालिक ये है, इस गाड़ी का मालिक ये है। अच्छा। इस कार में एक चीज़ जो है मुझे एकदम अच्छी नहीं लगी है, इसके जो इंडिकेटर हैं यहाँ फेंडर में दिए हुए हैं, ये इंडिकेटर यहाँ अगर दे देती कंपनी तो सोने पे सुहागा हो जाता। मजबूत है ही नहीं, जहाँ मशीन भिड़ाएगा ये पूरे कमर के आ जाएगा बाहर, इसको खोल के और लकड़ी वाला से डेंटिंग करवाना का ये बाहर में और रूम में नहीं करेगा, ये कहेगा ये वाला चेंज कर देंगे। चेंज करने का मतलब है कि डायरेक्ट इंश्योरेंस लेना होगा, नहीं तो पॉकेट से क्या लगाएगा। दाम ज्यादा नहीं है, 1200-1300 रुपया जो सुजीत वाला गाड़ी जो आप उनको बंद करके इसे करवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले से बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, ये हुआ कैसे था? बैल आके मार दिया था, और देख सकते हैं कि एक जरा सा भी स्क्रैच नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं। लड़के हैं तो कुछ स्क्रैच आएगा, हाँ वो ठीक है, लेकिन इसको एक बार आप छू के देखिए, इसको छू के देखिए, इसमें लगता है कि बैल आके ऐसा हो जाएगा तो वो डेंट आ जाएगा, नहीं आएगा ना। तो ये है मारुति की गाड़ियाँ, थोड़ी सी माइलेज के चक्कर में वो अपना क्वालिटी को जो है ना डिग्रेड करते जा रहे हैं, और जितना जल्दी हो सके कंपनी इस पर ध्यान दे, क्योंकि आज के डेट में बलिनों का नया जनरेशन आने वाला है, तो कंपनी कहीं फिर से यही क्वालिटी ना कंटिन्यू कर दे। बाहर आ गया है ना, बाहर आ गया, हाँ ये देखिए गाय के भिड़ने से इसकी अलाइनमेंट बिगड़ गई है, और ये जो हेडलाइट है उससे ये बाहर आ रही है, तो ये सब दिक्कतें हैं। आए भाई, लोग इसको माइलेज के लिए लेता है, कितना माइलेज दे देती है हाईवे में, कितना माइलेज देती है? 17 का तो वो भी देती है, ज्यादा देती होगी, चलाने पर डिपेंड करता है माइलेज। और कुछ डिफरेंस आपको अंदर से भी दिखा देते हैं, ये ऑल ब्लैक इसका डैशबोर्ड, दरवाजे और रूफ जो है वो आपको ग्रे फिनिश में मिलेगा, हालांकि स्पेस वाइज जो है ये कार आपको ज़्यादा लगेगी, पीछे के जो सीट हैं वो भी आपको स्पेसियस मिलते हैं, आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, तो ये इस कार का टॉप वेरिएंट है। और इसकी प्लास्टिक क्वालिटी की मैं बात कर रहा था, ये देख सकते हैं इसी तरह से डैशबोर्ड वगैरह भी उसी तरह से है, एवरेज प्लास्टिक की क्वालिटी आपको मिलती है, और इसमें टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक बार आपको अल्ट्रोज में दिखा देते हैं, ये लॉक है, शायद चाबी रहे अल्ट्रोज का, इसका चाबी, ये बलेनो की चाबी या टाटा अल्ट्रोज की चाबी, ये भी काफ़ी बेसिक सा की पॉप मिलता है, लॉक और अनलॉक मिल जाता है, जबकि इसमें आपको लॉक अनलॉक के साथ साथ फॉलो मी हेडलैम्प का बटन दिया जाता है। ऑटो फोल्ड और ऑटो क्लोज का जो फंक्शन है उसमें मिल जाता है ORVM में, और इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी को आप देखिए, ये देख सकते हैं, हालांकि ये भी हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक होने के बावजूद भी ज़मीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा प्लास्टिक क्वालिटी में भी। दरवाजे को आप देख सकते हैं, एक बार इसका थर्ड साउंड को आप देखिए, काफ़ी प्रीमियम और संतोषजनक इसकी जो है
वो साउंड आपको मिलने वाली है। और पीछे के रियर सीट को एक बार दिखा देते हैं, इसमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया हुआ है चूँकि ये XM प्लस वेरिएंट है और वो टॉप वेरिएंट है, तो वेरिएंट वाइज ये काफ़ी अंतर है। जहाँ तक स्पेस की बात है तो बलिनो में आपको ज़्यादा स्पेस लगेगा, इसमें XM प्लस में टच इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है 7 इंच का। और म्यूजिक की जहाँ तक बात है तो आपको टाटा अल्ट्रोज में अच्छी म्यूजिक मिलेगी, ये हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम टाटा की गाड़ियों में आता है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको इसमें अच्छा मिलेगा हाईवे में जब आप इस कार को चलाएंगे स्टेबिलिटी वाइज। वहीं पर अगर हम बलिनो की बात करें तो ये आपको माइलेज बेहतरीन देगी, ना आपको इसका ब्रेकिंग अच्छा लगेगा और ना ही और चीज़ें आपको अच्छी लगने वाली हैं। और यहाँ पर देखिए लोहे का ग्रिल का काम होता है तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। तो उम्मीद है ये छोटा सा कंपेरिजन आपको पसंद आया होगा। और अगर आप भी प्रीमियम हैचबैक कारों के बीच में अटके हुए हैं कि कौन सी कार आपको लेनी चाहिए तो थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।